कांग्रेस के शुक्रवार को महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ काले कपड़ों में किए गए प्रोटेस्ट की सियासी सूरत शाम होते होते बदल गई। पुलिस ने दिन में प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हिरासत में रखा। वहीं ढलते सूरज के वक्त केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान से प्रोटेस्ट की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमित शाह ने कांग्रेस की महंगाई और बेरोजगारी वाले इस प्रोटेस्ट को राम मंदिर के खिलाफ छिपा हुआ विरोध करार दिया। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री के बयान को बीमार दिमाग की उपज तक कह दिया और ऐसे में दोनों ही तरफ से सियासी वार जमकर हुए। बता दें कि कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के पहले कुछ देर तक सड़क पर ही धरने पर बैठ गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।